हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड आईक्यू। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं जेएसएससी सीजीएल में प्रैक्टिस सेट पेपर। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर किए गए हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से कवर अप किए गए हैं। इसमें टोटल आपका 15 सेट है और हम लोगों का टारगेट है कि 15 से 20 दिन के अंदर। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है। तो जी हाँ, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक जो है ना वो आपके हैं फादर कामिल बुल्के। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा कि फादर कामिल बुल्के जो है वो आपके राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के कितने विधायक को मंत्री बनाया गया है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो झारखंड के वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस में टोटल 4 लोगों को जो है वो आपका विधायक बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट में आपके हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वहीं दूसरे में हैं बन्ना गुप्ता, तीसरा है डॉक्टर इरफान अंसारी और चौथा है दीपिका पांडे सिंह। ये सारे चारों के चारों लोग जो है वो आपके कांग्रेस के विधायक है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किल्ली क्या है, बताइए किल्ली क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किल्ली की, तो किल्ली जो है ना वो आपका एक पुरखे से संबंधित लोग है। क्या है? पुरखे से संबंधित लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लाको बोद्रा के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जी हाँ, जो लाको बोद्रा के द्वारा लिखी गई नहीं पुस्तक है वो है आपका इसमें झींगा फूल। झींगा फूल जो है वो आपका इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। वहीं अगर इसमें याद रखिएगा कि लोको बोद्रा जो है ना वो बेसिकली आपके हो भाषा के साहित्यकार हैं। किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो वो आपके हो भाषा के साहित्यकार हैं। देखिए, इनके द्वारा रचनाएं जो है, कुछ रचना को आप याद रखिएगा, जैसे एला अल एतु उत्ता इनके द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, वहीं पोम्पा रघुवंश आदि इस तरह के पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लंद्रा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है। तो जी हाँ, इसमें बेसिकली फटे चिथड़े कपड़े का यूज जो है वो किया जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ की स्थापना वर्ष दर्शाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो जो है वो आपका 1935 की संघ स्थापना को दर्शाता है। कब की? 1935 की ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा, पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से जो आपका लाभान्वित जिला होगा वो है आपका देवघर ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे वियाडा की बात करते हैं तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका बेसिकली बोकारो शहर के पास अवस्थित है। ये आपको सिर्फ बोकारो में ही नहीं, आपका बोकारो, धनबाद, गिरिडीह इन सभी जगहों पे जो है ये आपका स्थापित है। इसे याद रखिएगा। देखिए, इसमें आपको कुछ टॉपिक को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का शीर्ष स्थान जो है वो आपका झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे जैदा कहते हैं, जो आपका नामकुम रांची नामक स्थान पे अवस्थित है। और इसी के अंतर्गत जो है वो आपके ये 4 उद्योग क्षेत्र जो है वो विकसित किए गए हैं, जिसमें आपका बियाडा है। अब इस बियाडा में जो जिले शामिल है वो आपके बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है। वही के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लावालौंग अभयारण्य में किस जीवों का खास ध्यान रखा जाता है। तो जी हाँ, लावालौंग अभयारण्य में जिस जीवों का खास ख्याल रखा जाता है वो है आपका तेंदुआ और नीलगाय। इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लावालौंग अभयारण्य की, तो लावालौंग अभयारण्य की स्थापना जो है वो आपका 1978 में स्थापित किया गया था और ये टोटल आपका 211 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में नहीं है। तो जी हाँ, वो जिस शहर में नहीं है वो है आपका डाल्टनगंज। इसकी कार्यालय जो है वो आपका डाल्टनगंज में नहीं है, बाकी जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद ये सभी जगहों पर, इसके अलावा आपका देवघर में भी इसकी कार्यालय जो है वो है, लेकिन डालगंज में नहीं है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2019 के आंकड़ा के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डैश है कितना है। तो जी हाँ, 2019 के आंकड़ा के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति 0.08 हेक्टेयर जो है वो वन एवं वृक्ष है ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि खेल और संबंधित खिलाड़ी का मिलान करें, खिलाड़ी और उनके संबंधित खेल दिए हुए हैं आपको इसको मैच करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो आपका क्या है, कोमोलिका बारी है। कोमोलिका बारी का संबंध जो है वो आपका तीरंदाजी से है। वहीं माइकल किंडो का संबंध जो है वो आपका हॉकी से है। और आपका ईशान किशन का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट से है। और सुनील बहादुर का संबंध जो है आपका लॉन बॉल से है। आते हैं ऑप्शन पे, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है, बताइए कहाँ से प्रवेश करती है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा भंडरिया ब्लॉक से, ना किस ब्लॉक से, भंडरिया ब्लॉक से। चलिए अगर डिटेल्स में जब बात करते हैं तो याद रखिए कि कन्हर नदी जो है वो आपका झारखंड में गढ़वा जिले के भंडरिया ब्लॉक से राज्य में प्रवेश करती है। वहीं कन्हर नदी जो है वो आपका भारत के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये नदी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के खुड़िया पठार से आरंभ होती है। तो इसका स्टार्टर पॉइंट भी आपको याद रखना है ना, कन्हर नदी का। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वी पशु जनगणना 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की कुल संख्या कितनी थी। तो जी हाँ, अगर मवेशियों की कुल संख्या की बात करें तो वो था आपका 23.6 मिलियन। कितना था, 23.6 मिलियन था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर की गई। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तस्सर की, तो इसमें याद रखिएगा कि ये आपका बेसिकली जहाँ किया गया है वो जगह है आपका गोड्डा ज़िले के भगाया में, ना कहाँ पे, गोड्डा ज़िले के भगाया में जो है वो आपका तस्सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना जो है वो की गई है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि नगरी रांची नामक स्थान जो है वहाँ पे आपका तस्सर अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगर कभी क्वेश्चन में आए कि तस्सर अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका नगरी रांची में स्थित है ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड कैंपा किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड कैंपा की, तो झारखंड कैंपा जो है वो आपका 2009 में अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था, 2009 में अधिसूचित किया गया था। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसे कैंपा बोलते हैं। अगर कैंपा के फुल फॉर्म की बात करें तो झारखंड कंपलसरी इफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है, का गठन जो है वो आपका प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को पूरा करने हेतु किया गया है। वहीं अगर इसमें हम लोग कैंपा की बात करते हैं तो कैंपा का गठन जो है वो आपका भारत सरकार द्वारा जुलाई 2004 में किया गया था, तथा ये झारखंड कैंपा को ना अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया था। अगर भारत सरकार द्वारा पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2004 में, लेकिन अगर झारखंड में बात की जाए तो ये आपका अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया था ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल निम्न में से कहाँ शुरू किया गया था। तो जी हाँ, ये आपका शुरू किया गया था बेसिकली थापड़ नगर रेलवे स्टेशन धनबाद में। कहाँ शुरू किया गया था, ये आपका थापड़ नगर रेलवे स्टेशन धनबाद में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बीड़ी उद्योग का, तो इसमें याद रखिए कि एक आपका होता है केंदू पत्ता, और इसी केंदू पत्ता से जो है वो आपका बीड़ी उद्योग जो है वो आपका चलता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग का विकास जो है वो आपका मुख्यतः सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं संथाल परगना में हुआ है, याद रखिएगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरायकेला ना। सरायकेला के अलावा और कौन सा स्थान है, तो जी हाँ, सरायकेला के अलावा जमशेदपुर है, चक्रधरपुर है और आपका संथाल परगना है ना, जहाँ पे आपका केंदू पत्ता से निर्मित बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग का विकास जो है वो होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिब्बू सोरेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य की बात करते हैं तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि इनका मूल नाम जो है वह आपका सोबरन मांझी है। तो जी नहीं, उनका मूल नाम जो है वह आपका सोबरन मांझी नहीं है। अगर हम बात करते हैं सिब्बू सोरेन की, तो सिब्बू सोरेन का जन्म जो है वो आपका 1942 में नेवरा
रामगढ़ में हुआ है। ये तो मैं आपको पहले भी कुछ सेट में बताई थी। वहीं इसका मूल नाम जो है वो आपका शिवचरण लाल मांझी है। क्या है? शिवचरण लाल मांझी है। किनका नाम? सिब्बू सोरेन का नाम ना, तथा इनके पिता का नाम जो है वो आपका सोबरन मांझी है और माता का नाम जो है वो आपका सोनामणि है। तो याद रखिएगा इनके माता और पिता का नाम ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़हरवा तलझड़ी बाकुडीह में निम्न में से किस खनिज का निक्षेप पाया जाता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जिसका निक्षेप पाया जाता है बेसिकली वो है आपका बेंटोनाइट। क्या पाया जाता है यहाँ पे? बेंटोनाइट पाया जाता है। अगर हम लोग बेंटोनाइट के बारे में बात करते हैं तो बेंटोनाइट जो है वो आपका एक एल्यूमिनियम सिलिकॉन मिट्टी है जिसका निर्माण जो है वो आपका ज्वालामुखी के राख से होता है। इसमें आपको क्या है कि इसमें आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है, जो हम लोग बेसिकली चेहरा वगैरह में लगाने के लिए यूज़ करते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, तो किसको बोला जाता है? वो है आपका बेंटोनाइट को बोला जाता है ना, जो क्या है आपका एक एल्यूमिनियम सिलिकेन मिट्टी है ना, याद रखिएगा। वहीं इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका साहेबगंज के प्रश्न उल्लेखित क्षेत्र में इसका निक्षेप जो है वो पाया जाता है। इसका उपयोग जो है वो बेसिकली आपका सौंदर्य सामग्री, जैसे मैं आपको बोली, फेस वगैरह में लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं कागज़ उद्योग, डिटर्जेंट आदि में भी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके एनीनाथ सहदेव। कौन थे? एनीनाथ सहदेव। एनीनाथ सहदेव जो हैं वो आपके बड़कागढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो वह आपका बड़कागढ़ के राजा थे। इन्होंने 1991 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि जनजातियों में प्रचलित सूढ़ी क्या है, बताइए। तो जी हाँ, जनजातियों में प्रचलित सूढ़ी जो है ना वो आपका एक प्रकार का भोजन है। क्या है? एक प्रकार का भोजन है ना। देखिए, अगर हम लोग इसको डिटेल्स में जानते हैं ना तो इसमें आप याद रखिएगा कि सरहुल पर्व के तीसरे दिन सरना स्थल पर सरई फूल की पूजा जो है वो आपका पाहन द्वारा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है और मुर्गे की बलि के बाद इसके मांस व चावल से बने भोजन, जिसे बेसिकली खिचड़ी भी कहा जाता है, वो बनाया जाता है। उसी को बेसिकली सूढ़ी या बोल सकते हो बिरयानी जैसे भोजन जो है वो कहा जाता है, वही आपका सूढ़ी होता है ना, एक तरह के क्या बोल सकते हैं, मुर्गा चावल ना। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंदर पार्ट वन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत अलग है, जो मैं आपको 10 सेट पहले कराई हूँ ना, उन 100 सेट से ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अलग अलग है। 10 सेट का एक भी क्वेश्चन अभी तक आपका इसमें रिपीट नहीं हुआ है। हालांकि अभी हम लोग सेट वन से मात्र 22 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कुछ और क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इसमें बताया गया जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसे आप अच्छे से रिवीजन जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पे आपका जितना भी वीडियो है ना, उसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, जाके आप एक लाइन से सारे पीडीएफ को वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लोग सेट वन का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किए हैं, एक दो दिन के अंदर टोटल का टोटल 100 सेट का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने हिंदी पेपर टू भी पढ़ाई हूँ, उसका भी जितना भी पीडीएफ है, सारा का सारा पीडीएफ जो है वो आपका 5 तारीख से पहले जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ से वहाँ पर जितना हो सके उतना सभी लोग जुड़िए और वहाँ से जितना भी कंटेंट है उसे आप अच्छे से स्टडी कीजिए। तो चलिए, हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, इसमें टोटल हम लोग 15 सेट को 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एग्जाम से 3-4 दिन पहले जो है हम लोग टोटल 15 सेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ में बने रहिए, जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।